आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 बायोलॉजी 314 का इंग्लिश मीडियम में प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसा है मैं आपको दिखाऊंगा पूरा एक एक करके। पहले फर्स्ट पेज पे जो है आपको लिखना है प्रैक्टिकल और एम क्या है इसको, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है और ये सारी चीज़ें जो जो इसके अंदर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पीछे इमेज है ये आप चिपका दीजिएगा इसके, ठीक है। और इसके बाद है व्हाट शुड यू नो, इसके बाद ये लिखना है एनिमल के बारे में और ये सारी बातें आप लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद पीछे कोई इमेज नहीं है। अगला है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा जो जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है, सारा लिख दीजिएगा। इसके बाद पीछे इसमें एक इमेज है, ये इमेज चिपका दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद अगले पेज पे यहाँ से आते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सब्टेंस, उसके बाद ये सारी बातें आपको लिखनी है ऐसे ही, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले पेज पे चिक सेल्स हैं, इसके बारे में ही, चिक सेल्स के बारे में यानी जो चेहरे पे सेल्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें हैं, इसके बाद ये इमेज है कर लीजिएगा, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में सारी बातें डाल दीजिएगा, सारा लिख दीजिएगा। कोई इमेज नहीं है, पार्ट प्रैक्टिकल इसमें 2 है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये सारी बातें हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारा बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिएगा। इसके बाद ये इसके अंदर इमेज है, इमेज प्रेस कर दीजिएगा, व्हाट शुड यू नो। अगर आप कलरफुल इमेज करना चाहते हैं तो वो भी कर दीजिएगा। और आप चैनल पर हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको NIOS से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती। मटेरियल रिक्वायर्ड स्लाइड्स, और याद रखिए एक बात, जो प्रैक्टिकल होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं हर साल, इनमें कोई चेंज नहीं होता, असाइनमेंट में चेंज होता है। इसके बाद ये है, ये पूरा आपको बनाना है, प्रोसिक्यूशंस सारी बातें लिखनी है। इसके पीछे एक इमेज है चिपका दीजिएगा। इसके बाद है प्रैक्टिकल नंबर 3, सारा आप लिख दीजिएगा प्रैक्टिकल नंबर 3 में, ठीक है। व्हाट शुड यू नो, इसके अंदर ये सारा लिखना है, मटेरियल क्या क्या आ रहा है ये सारी चीज़ें, पीछे कोई इमेज नहीं है। हाउ टू प्रोसीड, इसके बाद ये सारा लिखना है, प्रोसीड के अंदर ये सारी चीज़ें। अगर आपको प्रैक्टिकल हमसे बनवाना है या चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इमेज लगानी है, कलरफुल भी ढूंढ के लगा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है, हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों मीडियम में मिल जाएगी। और इसके पीछे कोई इमेज नहीं है, प्रैक्टिकल नंबर 4 है, यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। इसके पीछे कोई इमेज नहीं है, व्हाट शुड यू व्हाट शुड नो सारा लिखा हुआ है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। इसके पीछे एक इमेज है, क्लिक कर लीजिए, लगा लीजिएगा, ठीक है। प्रोसीड्यू ये लिख लीजिएगा पूरा, इसमें और कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल नंबर 5 है, एम एस का क्या मकसद है, ठीक है, सारा लिख लीजिएगा। इसके पीछे इमेज है ये लगा लीजिएगा, ठीक है। जो इमेज नहीं है, प्रैक्टिकल नंबर 6 है, पीछे ये भी प्रैक्टिकल नंबर 6 इसी का हिस्सा है, यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो आप जो है जुड़ जाइए अभी हमारे साथ। थैंक यू।